राष्ट्रपति के अपमान पर जबरदस्त सियासी घमासान लगातार बना हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा विपक्ष का धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के लिए टिप्पणी कर दी गई, जिसको लेकर बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में आप पूरी कहानी देखिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें। पहले लोकसभा में हंगामा, माफी मांगो और शर्म करो, फिर राज्यसभा में हुआ बवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। जब इतना हंगामा हो तो उनके बीच कामकाज की बत्ती गुल होनी ही थी, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि बात राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर थी। राष्ट्रपति महिला हैं तो बीजेपी के महिला मोर्चा ने अधीर रंजन को घेरने का बीड़ा उठाया। खासकर स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अधीर रंजन ने जानबूझकर राष्ट्रपति के लिए ऐसी टिप्पणी की। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से। बात माफी मांगने या राष्ट्रपति के सम्मान तक ही नहीं रुकी, स्मृति ईरानी से अनुसूचित जाति तक ले गई। मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। तो वही इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि चूक हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने गलती से ये शब्द बोल दिया। बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें। अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे चूक से एक 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 लफ्ज निकल चुके, चूक से इसलिए भाई कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल, मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात की है, कभी नहीं ऐसा किया। निशाने पर सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से लेकर सोनिया गांधी तक हैं। जब मामला तूल पकड़ा तो सोनिया गांधी को भी सफाई देनी पड़ गई। मैम विल यू आस्क, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, वी हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि अधीर रंजन के खिलाफ कांग्रेस लोकसभा सदन में कार्रवाई करे। अभी देखना होगा कि कांग्रेस इस मसले पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।